मसीहा है। कई लोग बहुत बोलते हैं और वो जो लोग नहीं बोलते उनके लिए भाई लोग बोलने लग जाते हैं। अभी देखिए सब तरफ से लोग बोल रहे हैं। ये ऐसे उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं को कहूंगी कि अगर आपको वाकई हमें मुझे तो कांग्रेस में बहुत दया आती है कि आपको तो इसलिए दया आती है, बेचारे कोशिश करते हैं लेकिन सत्ता पक्ष में आ नहीं पाते, उल्टा उनके खिलाफ वोट पड़ जाता है। उसका कारण ये है कि एक विपक्ष को जो जिम्मेवारी से भूमिका निभानी चाहिए उसको निभा नहीं पाते। एक अच्छा कार्यकर्ता बनने की ट्रेनिंग अगर लेनी हो तो ये जो विधानसभा नंबर 2 है वो सबसे अच्छी जगह हो सकती है कांग्रेस के लोगों के लिए। बिना बात किए बिना बोले ऐसा भी बोलना कि किसी और का मुख्यमंत्री का बेटा और किसी और के नाम पे नाम ले रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगी जो भूल राहुल गांधी कर गए, नाम लेने था किसी और मुख्यमंत्री के बेटे का और नाम ले दिया किसी और मुख्यमंत्री के बेटे का। ये जो अनियंत्रित भाषा है ये अत्यधिक बोलना है, बिना सोचे समझे बोलना है, उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस का सफाया पूरे देश के मानचित्र से हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वो संघ की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाएंगे। अभी मेरे को पूछा पत्रकारों ने, आकाश के कार्यक्रम में मैं गई थी तो वहाँ पत्रकारों ने पूछा तो मैंने उनको बताया कि संघ में रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जो संघ का स्वयंसेवक होता है वो नदी में लहर की तरह होता है। जैसे नदी में लहर आती है वो लहर नदी का ही अंग होती है, लेकिन उस लहर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है कि मैं इस नदी का अंग हूँ। इसी प्रकार से राष्ट्रवाद की विचारधारा का जो समुद्र है उसमें संघ का जो स्वयंसेवक होता है वो एक लहर की तरह होता है, वो उसी में बनता है और उसी में मिटता है। इसलिए शाखा पर प्रतिबंध लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। संघ का स्वयंसेवक जब तक जिंदा रहता है वो संघ का अस्तित्व उसके अंदर रहता ही है, जब तक कि उसका जीवन काल रहता है उसके अंदर संघ का अस्तित्व रहता है। और दूसरी बात ये कि संघ दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो हर तरह से देश के लिए अपने आप को समर्पित करता है और अपना नाम अपना फोटो अपनी तस्वीर नहीं चाहता। जवाहरलाल नेहरू ने खुद संघ के स्वयंसेवकों को बुलाया था जब हमला हुआ था कश्मीर के ऊपर, और इसलिए संघ की शाखाओं में जाना ये तो गर्व की बात है। मैं भी कांग्रेस के नेताओं को कहूँगी कि आप संघ की शाखाओं में जाइए। संघ प्रतिबंधित संगठन नहीं है, राष्ट्रवादियों का संगठन है, राष्ट्र के लिए मरने मिटने वालों का संगठन है। हम सब के अंदर संघ की ही लहर चलती है। इसके लिए हमें रोज रोज उनको टेलीफोन नहीं करने पड़ते हैं कि हमें क्या करना है व क्या नहीं करना। हमारे अंदर संस्कार आ गए हैं कि हमें क्या करना है। हम कार्यक्रम में गए, हम संघ के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके संपर्क में रहे और हमारे अंदर अपने आप ये बात आ गई कि हमें कब क्या करना है और क्या नहीं करना। हनुमान जी महाराज लंका में गए